हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। लेके आपके सामने फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन से संबंधित ये वीडियो, जिसमें आपके सामने बात करूंगा कॉम्बिनेशन से संबंधित, संचय से संबंधित बात करूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से विदित होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे सामने, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बच्चे सॉल्व नहीं होते क्रमचय के, सॉरी संचय के, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मतलब क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हम सॉल्व नहीं कर पाते, खासकर जब हमें नंबर्स चाहिए होते हैं, जैसे एक्स ग्रुप में चाहिए होते हैं, या फिर हम बात करें SSR AA की बात करें तो इनमें चाहिए होते हैं। NDA तो एक ऐसा है कि चलो नहीं भी आते तो चल जाएगा, क्योंकि NDA में तो और भी सारे ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो देखिए, मैं आपको एक बात और कह दूँ, आपने अगर इससे पहले जो पार्ट दिया था हमने आप कॉम्बिनेशन का, सॉरी परम्यूटेशन का, आपने वो नहीं किया तो प्लीज़ उसे आप देख लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित ही ये पार्ट है, तभी आप कर पाएंगे। देखिए, इससे फर्स्ट वीडियो जो हमने डाला था क्रमचय के बारे में, परम्यूटेशन के बारे में, जिसमें हम आपके लिए बताया था कि ABC पहला एग्जांपल सेम ऐसा ही था, उसने बोला था ABC तीन पॉइंट हैं, तो तीन पॉइंटों से कितने क्रमचय बन सकते हैं, तो उसने बताया था 6 बन सकते हैं। लेकिन अब देखिए, हम बात कर रहे हैं क्रमचय के बारे में, सॉरी संचय के बारे में, तो संचय में कितने बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं ओनली, क्योंकि क्रमचय जो होता है उसने पूछा था कितने बनेंगे, तो देखिए 2 जोड़ा लेके, तो AB बनाया था उसने, BAB बनाया था उसने, BC बनाया था और CB भी बनाया था, और उसने कौन सा बनाया था, एक बनाया था हमारे पास AC बनाया था और CAB बनाया था। तो गाइस उसने 6 बनाए थे हमारे पास ये पॉइंट, लेकिन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही बने हुए हैं, क्योंकि उसने इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, क्योंकि उसने बोल रखा है ये दोनों तो एक जैसा ही है, ऐसे उसने इस चीज़ को भी कंबाइन कर रखा है, ऐसे इसको कर रखा है। तो मतलब क्रमचय में वो 6 कंडीशन थी, लेकिन संचय में वो क्या है, 3 कंडीशन है। मतलब परम्यूटेशन में वो कंडीशंस कितनी थी, 6 कंडीशन थी, लेकिन और कॉम्बिनेशन में कितनी कंडीशन है, वो 3 कंडीशन हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। इसमें समूह बनते हैं, ठीक है, उसमें क्रमचय बन रहे थे, इसमें समूह बन रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिनको हम कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे टैकल किया जाता है, वो आप देख लीजिए। यह फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, CN को ब्रेक करना, जो आपके सामने लिखा होता है CNR, इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, फैक्टोरियल R अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, ये होता था। ठीक है, तो आप देखिए आपके सामने, इसके सामने गुणधर्म लिखे हुए हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, उन्हें ढंग से पढ़ लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनका बहुत यूज होता है, बहुत ही समझने वाली चीज़ होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये प्राकृतिक नेचुरल, इसने बोला कि नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर क्यों आएगा, क्योंकि आप जानते हैं एन की वैल्यू भी कोई ऐसी 5 हुई और ये आर की वैल्यू क्या होती है 2, तो नेचुरल नंबर ही तो निकल के आएगा एक, आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब देखो सी ग्रेटर देन एन, तो सी ग्रेटर देन एन है, मतलब मान के चलो आपके सामने लिखा हुआ 5 और यहाँ लिखा हुआ है 6, तो मीन्स फ्रेंड्स आपको बता दूँ यहाँ पे क्या होगा, इसका मान 0 होगा। अगर यहाँ 6 होता तभी इसका मान 0 होगा, लेकिन इक्वल होगा तो इसका मान क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0, तो इसे आप ब्रेक करेंगे तो कटने के बाद 1 आएगा, आप जानते हैं बात। ठीक है, मतलब सी 5 की बात करूँ या 5 की बात करूँ या 0 की बात करूँ तो इसका मान तो 1 होता है, लेकिन अगर मैं यही बात कर देता हूँ आपके सामने इस तरीके से कि यहाँ 6 लिख दिया, तो गाइज इस कंडीशन में इसका मान 0 होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, सी जो दे रखी है आपके सामने लिखा हुआ है, इन दोनों का मान बराबर होता है, जो कि मैंने आपके लिए बताया था 1 के इक्वल होता है, और इसका मान n के इक्वल होता है, इसे आप सॉल्व करके बता सकते हैं, इनका तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो ये कंडीशन की बात करते हैं, इस कंडीशन की, तो ये कंडीशन कहाँ यूज होती है, ये आपके सामने तब यूज होती है तब आपसे बोला जाए कि आपके सामने जो टर्म्स से बोल रखी है, मतलब इसकी बोल दिया जाए कि किसी भी सीरीज की 5th टर्म और 7th टर्म के गुणांक जो हैं, मतलब कॉफिशियंट जो हैं, इक्वल हैं, तो आप आर का मान बताइए, तो आर किसके इक्वल होगा। तो आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिले होंगे, और लास्ट टाइम जो अभी मतलब रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे आर की। तो देखिए अगर आपके सामने बोल जाए 7th टर्म, तो 7th टर्म मतलब यहाँ लिख दिया जाए आपके सामने इक्वल टू, तो ये क्या कॉफिशेंट ही तो होते हैं, उसने बोला 7th कॉफिशेंट, उसका 6th कॉफिशेंट, तो आर का मान क्या होगा, तो ऐसे बोल रखा था उसने। अब देखो इस कंडीशन को थोड़ा देखा जाए, तो उसने बोला कि दोनों इक्वल हैं, गुणांक बराबर होंगे, तो गुणांक बराबर होते हैं आपने देखा होगा, क्योंकि ये देखो सी जहाँ सी 0 होता है वहाँ क्या होता है उसका गुणांक 1 होता है, ऐसे ही यहाँ एन होता है CNN, तो यहाँ क्या होता है गुणांक 1 होता है, ऐसे ही यहाँ करेंगे C1 का गुणांक क्या होगा एन हुआ, और ऐसे सी माइनस यहाँ बोला जाए आपके सामने एन माइनस 1, इसका गुणांक क्या था, इसका गुणांक होगा भी, इसका गुणांक भी n होगा। तो आप देख सकते हैं जो आगे से गुणांक है और पीछे से देखा जाए गुणांकों को,
तो दोनों इस तरीके से चलते हैं कि वो भी वही गुणांक होता है, सिमिलर होते हैं, जो लास्ट का और फर्स्ट का दोनों के गुणांक इक्वल होते हैं, सेकंड का और सेकंड लास्ट का दोनों के गुणांक बराबर होते हैं, तो यही कंडीशन इसमें अप्लाई की जाती है गाइस। ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा होता है आप इसी तरीके से लिख सकते हैं आप डायरेक्टली फाइंड करने के लिए वैल्यू। आगे देखिए और ये कंडीशन देख सकते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इनको आप ढंग से पढ़ लीजिए। देखो यहाँ एन की वैल्यू सम संख्या दे रखी है, तो महत्तम मान निकाल सकते हैं, महत्तम मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, और जब आपके सामने ईवन दे रखा है तो कौन सा है, देखिए ईवन मतलब जो आप जानते हैं ईवन और ऑड, आपने पढ़ा होगा ईवन और ऑड, ईवन क्या होता है सम संख्या है, तो ईवन के लिए ये जो और ऑड के लिए विषम जो दे रखी है। ठीक है, ऐसे आप देखो नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने, इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है इसे, और देखो ये आपके सामने बहुत ही अच्छा है जब आपके सामने रेशियो बोल रखा हो, तो रेशियो जब दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं और आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितने आपके शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगे तभी आप बहुत जल्दी स्पीड से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, ये फिक्स प्रॉपर्टी हम आपके लिए बता चुके थे बाइनोमियल में, बाइनोमियल में भी आपके प्रूव करके दिखा रखी थी, आप वहाँ से देख सकते हैं, बाइनोमियल हमने आपके लिए करा रखा है, उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपके लिए सॉल्व करके दिखाई थी कैसे इसका मान एन फैक्टर सॉरी 2n आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कुछ कंडीशंस ये हैं जो कि आपके सामने बहुत ही वैल्यूएबल होती हैं, एन विभिन्न वस्तुओं में से आर को लेकर जब पी वस्तुएं सदैव ली जाएं, मतलब आपसे बोला जाए कि कोई एन वस्तु हैं, एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेनी हैं, ठीक है, और उसने एक कंडीशन बोल दिया कि पी जो है सदैव ली जाएं, पी सदैव मतलब पी तो होनी ही होनी चाहिए, तो कितने संचय बनेंगे इस तरीके से, मतलब आपसे बोला जाए कि ब्लैक वाइट और रेड ब्लॉब रेड बॉल्स आपके सामने उसमें रखी हुई हैं एक बैग में, उनमें से बोल दिया जाए कि रेड तो हमें चाहिए ही चाहिए, बाकी के उनमें से दो ऑप्शन है हमारे पास, उनमें से कुछ भी, तो ये आपके सामने इस तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये कंडीशन पढ़ लीजिए आप, उन्हीं से समझ जाएंगे पढ़ने से, क्योंकि आप इन्हें ढंग से समझना चाहेंगे तो एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से समझ में नहीं आते। ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या आप इनके स्क्रीनशॉट रख के अपने मोबाइल में स्नैप्स रख सकते हैं, इनकी पिक्स रख सकते हैं। चलिए आगे आपके सामने एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, तीन पॉइंटों की आपके सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनके स्नैप्स ले सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो नोट डाउन करने का, मेरे हिसाब से आप नोट डाउन कर लें तो बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए समूह विभाजन मतलब इसका डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन देख सकते हैं ग्रुप का, इनके क्रमचों का डिवीजन कैसे होता है, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ, तो कैसे डिवाइड कर रखा है उसने बोला ये बराबर हों, जब दोनों बराबर होंगे तो ये कंडीशन आएगी, और जब दोनों क्रम महत्व मतलब आपके सामने देखिए जब समूहों के क्रम का महत्व हो तो क्या हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आप इसे, आपके सामने सबसे बेहतरीन जो फॉर्मूले आएंगे आपको वो होते हैं जैसे ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं, संरेख हैं बिंदु, तो उनके बारे में आपके से बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करना होगा हमें, ये आपके सामने इन्हें खुद ही देख लीजिए, इतनी बड़ी बात नहीं है इन्हें आप देख नहीं पाएँ तो खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, अच्छे पॉइंटों के बारे में। देखिए अब आया आपके सामने बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है फर्स्ट वाला जो दे रखा है, यदि पार्टी में जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, लोग हाथ मिलाते हैं स्टार्टिंग में जाते ही, तो हाथ मिलाते हैं तो आपके सामने जैसे 10 लोग खड़े हुए हैं तो हाथ मिलाने की कंडीशन कितनी हो सकती है तुम्हारे साथ, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है जब हाथ मिलाते हैं तो दो ही व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ तीसरा व्यक्ति तीन के साथ हाथ मिला लेगा, पहले फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ फिर थर्ड के साथ, मतलब जितने लोगों को उनके एक नंबर बाई नंबर हाथ मिला पाएगा, मतलब दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है हाथ मिलाने के लिए, तो जितने व्यक्ति हैं एन और जितने कंडीशन कितनी होती हैं, दो ही तो होती हैं, दो लोगों के बीच में होती है क्रिया, तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आप बता सकते हैं कि 10 लोग हैं 10 लोगों के साथ मिलाने की कंडीशन, ऐसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर फाइंड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बोल रखा है उसने असंगामी और बोल रखा असमानता सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, तो ऐसे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई समांतर या असमांतर जो वो हैं आपके सामने प्रतिच्छेद रेखाएं, तो किस तरीके से वो कर सकती हैं, किस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, वो आप देख लीजिए NC2। और देखिए ऐसे ही N असंरेखीय है, मतलब N बिंदु हैं वो असंरेख बिंदु, मतलब एक यहाँ, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी हैं, असंरेख बोल रखे हैं उसने, तो उसको मतलब एक होकर जाने वाली सरलरेखा इनके बिंदुओं से जाके, अब देखिए जब उसने बोला है असंरेख है तो एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है,
मान के चलो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो उसने बोला कि मतलब एक रेखा मतलब कैसे बनाई जा सकती, कैसे सरल रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा होती है, तो देखो यूँ खींची जा सकती है या यूँ खींची जा सकती है, यूँ खींची जा सकती है, यूँ खींची जा सकती है या यूँ खींची जा सकती है, मतलब जाहिर सी बात है सिर्फ दो ही पॉइंट मिल पाएंगे जब असंरेख होंगे। तो असंरेख से मतलब लीनियर कोलीनियर आपने पढ़ा होगा, तो कोलीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, देखिए अगर बात करूँ एक ही लाइन में है पॉइंट तो आप बता सकते हैं एक ही लाइन से जा रही है तो ये इसके इस तरीके से जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि वो पॉइंट्स जो हैं इधर उधर रखे हुए हैं, तो मतलब एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ, तो कहीं भी रखा हुआ है, तो आप दो ही पॉइंट को मिला सकते हैं एक साथ, ऐसे नहीं कि इनको एक ऐसी रेखा खींचेगा जो सबको मिला दे एक साथ, नहीं मिला पाएगी, ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है तब एक ही पॉइंट में, एक ही लाइन में सभी पॉइंट रखे हों। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, उसने बोल रखा है एन बिंदुओं में से एम बिंदु समरेख हैं, मतलब आपके सामने लिखे हुए हैं कि एन बिंदु हैं, मतलब पॉइंट है आपके सामने एन, और उसमें बोल रखा है कि उनमें से एम ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आप मतलब एक लाइन खींच के मिला सकते हैं सबको। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पॉइंट, 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 और ये एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो आप एक पॉइंट, एक लाइन ऐसी बनेगी जो सिर्फ पॉइंटों को मिला देगी, मतलब ज़्यादातर पॉइंटों को मिलाएगी, ये मिला दी जैसे। ठीक है, और बाकी के साथ एक साथ नहीं मिल सकते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को, जब हमारे पास बोलते हैं कितने बिंदु मिला सकते हैं तो ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट उसने बोल रखा है एक बहुभुजों में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाती है देख लीजिए, जबकि कोई तीन बिंदु समरेख हैं, तो ये कंडीशन देख लीजिए जो आपके सामने लिखी हुई थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए एन बिंदु असंरेख हैं, तो ये कंडीशन, अब देखो असंरेख ही है, देखिए त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं, असंरेख मतलब यहाँ 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 यहाँ, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं तो देख लीजिए, तो कितने पॉइंटों की जरूरत पड़ती है एक त्रिभुज के लिए, हमें तीन पॉइंट होने चाहिए एक त्रिभुज के लिए, तो एन सी थ्री। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रेखा आपके सामने, यदि दो समूहों में क्रम से एन और समांतर संख्याएं हैं, मतलब समांतर रेखाएं हैं आपके सामने एम और एन, ठीक है, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, उसने बोला समांतर चतुर्भुज कितने बनाए जा सकते हैं, तो समांतर चतुर्भुज कितने बनाए जा सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट बहुत ही नया पॉइंट है, क्योंकि मैंने तो शायद नहीं पढ़ा था, मैंने तो फर्स्ट वाला यहाँ तक पढ़े हुए थे, ये वाला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ तो देखो सीधे सीधे रखा, लेकिन यहाँ देखिए ये कंडीशन भी आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एन बिंदु और एम बिंदु दो बिंदुओं की बात कर रहा है, इसमें से बोल रहा है कि बिंदु में से एम समरेख हैं, समरेख मतलब एक ही रेखा में है। अब नीचे आपके सामने जो पॉइंट दे रखा है उसे भी समझ लीजिए, ये आपके सामने दे रखा, इसमें पूछा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो होता है उसमें रखा है एन समांतर हैं और कोई जो और बाकी ऐसे हैं, तो कितने इसके वो बन जाएंगे पैरेललोग्राम, तो वो ये कह रहा है, तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन ये अप्लाई की जाती है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप इतना मत सोचिएगा इसके बारे में, एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल देखिए उसने दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपके लिए कंडीशन बताई थी कि आपके सामने लिखा हुआ है सी आर अपॉन लिखा हुआ है सी आर माइनस वन, तो कंडीशन क्या बताई थी एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये कंडीशन बताई थी आपके लिए, तो इसे अप्लाई कर दीजिए, आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए आपके सामने लिखी हुई है ये कंडीशन, तो आप देख लीजिए अप्लाई किया है और हमारा आंसर फाइंड हो चुका है, ये लिखा हुआ आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे आपके सामने इनके एग्जांपल्स के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे एग्जांपल्स में, तो जिनमें कंबाइन करेंगे आपके सामने कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, क्योंकि आप कंबाइन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कब कॉम्बिनेशन लगता है कब परम्यूटेशन लगता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हमें यही होता है कि कहाँ परम्यूटेशन लगाना है कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।